हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए और फैंटास्टिक वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 8वीं के बारे में। राजस्थान बोर्ड परीक्षा, राजस्थान में लैपटॉप योजनाएं चलती है। राजस्थान में जिसके ए या ए प्लस ग्रेड आता है उन सभी बच्चे बच्चियों को लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप सभी को जो नंबर्स हैं वो मिलते हैं। एक मिनट, पीछे क्या पूरा वाइट वाइट हो रहा है, थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ, तो सबको इस तरीके से नंबर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 क्यों नहीं होगी। इसके पीछे तीन कारण है, मुख्य कारण कि भाई पहला तो ये कारण है कि उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है और राजस्थान बोर्ड परीक्षा डाइट करा रहा, तो लोकसभा चुनाव की वजह से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और शायद ये हो सकता है कि इस बार जो, फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट कैसे बनेगा, तो रिजल्ट बनने की ये प्रोसेस हो सकती है कि जैसे आपके स्कूल के टीचर्स है वही अपनी जो विवेक पूर्ण है, जो अपना दिमाग है, उस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर सकता है कि भाई इस बच्चे को इतने मार्क्स मिलेंगे, इस बच्चे को इतने मार्क्स देने चाहिए, उस हिसाब से आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वीं के बारे में। तो इस बार क्या सच में परीक्षाएं नहीं होगी? हाँ, इस बार सच में परीक्षाएं नहीं होगी। तो जो टाइम टेबल आया उसका क्या होगा? टाइम टेबल रद्द कर दिया गया है और राजस्थान बोर्ड की परीक्षा अब अगले साल भी होगी या नहीं होगी उस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस साल तो कतामी नहीं होगी और अब के जो वार्षिक परीक्षाएं हुई है उसके नंबर जुड़ जाएंगे। जैसे कक्षा 9वीं में, कक्षा 7वीं में, कक्षा 6वीं में नंबर जुड़े जाते हैं, उस तरीके से जुड़े, मतलब बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, सामान्य परीक्षा ही होगी। सामान्य परीक्षा के अंदर पे आपका रिजल्ट आ जाएगा हफ्ते दो हफ्ते में और आपको बता दिया जाएगा कि भाई कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, इस तरीके से, और बातें डिक्लेयर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये सारी बातें थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी अभी मोदी जी का, सरकार का, जो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उनका बड़ा फैसला आया है कि राजस्थान में हम कक्षा 8वीं की जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है।